कन्ना बिछवालिया इट्स अ ब्यूटीफुल ट्रैक, मूवी ने बहुत अच्छा गाना बनाया, इट्स अ लव सॉन्ग, वेरी वेरी ब्राइट सॉन्ग, एंड हनी भाई ने अपना जो वर्स दिया इसके अंदर, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम हनी भाई ने इतना बड़ा लाइक मोर देन अ 50 सेकेंडर वर्स किसी गाने में दिया है, एंड हमने जैसे ही गाना सुना था आई वॉज लाइक एकदम से इंस्टेंटली वी लाइक इट द होल टीम. देन वी वर थिंकिंग टू शूट द सॉन्ग इन थाईलैंड फर्स्ट, क्योंकि हम लोग फुकेट में कुछ प्लान कर रहे थे, बट देन जब हमने गाने को सुना, उसकी ट्रीटमेंट बनाई और सारी चीज़ों को देखते हुए हमने इसको दुबई में शूट किया. इट्स अ ब्यूटीफुल ब्राइट सॉन्ग, बहुत अच्छा गाना बनाया है, एंड जो होमी की एक जो होमी ने पहली बारी एक लव सॉन्ग यू नो गाया है. एक प्रोड्यूसर का तो काम इतना ज़्यादा मुझे नहीं लगता रहता है. ऑनेस्टली स्पीकिंग, व्हेन यू आर वर्किंग विद हनी भाई, यू आर वर्किंग विद मिहिर, और रही बात इस गाने की, ये गाना मतलब हम लोगों ने जब फर्स्टली हम लोग भी मेट हनी भाई कि भैया हमें कुछ ऐसा ऐसा काम करना है, हमें कुछ भी नहीं आता था, कुछ भी नहीं पता था, कुछ भी नाम तक भी नहीं था ऑनेस्टली स्पीकिंग कि हम लोग नाम क्या रखने वाले हैं. हम लोग भैया के साथ बैठे हुए थे स्टूडियो में, भैया ने बोला कि यार जब आप हम लोग काम कर ही रहे, इतना सब कुछ हो रहा है, तो प्लीज़ नाम भी आप ही दो, क्योंकि हम तो बचपन से फ़ैन रहे हैं हनी भैया के, बहुत हमेशा से उनके गाने सुनते आए हैं. तो हनी भैया ने ये नमो स्टूडियोज़ इट वॉज गिवन बाई यो हनी सिंह, एंड गाने हमें करने थे, तो वो भी भैया ने हमें, इन्होंने ही हमें गाइड किया कि आप अलग अलग, हम लोगों ने क्योंकि नए पहला गाना था, दूसरा गाना, तीसरा गाना, तीनों गाने हमने हनी सिंह के ही करने थे अपने लेवल पे, तो तीनों गाने अलग होने चाहिए एक दूसरे से, ये हमारा एक थॉट था कि मतलब एक जैसे ही सॉन्ग नहीं हम लोग डालेंगे. तो जाम जाम जो हम लोगों ने पहला गाना किया था, वो एक ब्यूटीफुल स्टोरी, वो भी हनी भाई ने पूरा कॉन्सेप्ट, वो मतलब हनी भाई के साथ जब मिले, पहले तो फैन थे, गाने सुनते थे, ग्रूव करते थे, गाने गाते थे, रैप करते थे हम लोग अपनी पार्टियों में, डांस कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं. तो जब मिले तब समझ में आया कि जब हनी भाई का एक तरीका है अपने गाने प्रेजेंट करने का, या क्योंकि हम एक एज अ लेबल गए उनके पास, जब भैया ने गाना सुनाया, पहले हमें स्टोरी बताई, फिर हमें गाना सुनाया, फिर हमें बताया कि इस तरीके से मैं गाने को हम बनाएंगे. प्राउड मैं तभी से हूँ जब से मैं सर से मिला हूँ और उनके साथ काम कर रहा हूँ, बिकॉज मेरे अंदर के 13 साल के सभी ने जब ये सपना देखा था, तो आई विश टू परफॉर्म घर पे बनियान पहन के, कंघी लेके, ब्राउन रंग पे, सो आई यूज टू इमेजिन माई सेल्फ विद हिम, एंड नाउ वी आर शेयरिंग स्टेज टुगेदर. सर ने ये मेरे को परमिशन दी कि मैं साथ में उनके काम कर सकूँ, और बड़ा मज़ा आता. और कन्ना बिछवालिया गाना बड़ा डिफरेंट गाना है, मैंने पहली बार लव सॉन्ग बनाया, पहली बार लोग मेरे को लव साइड में देख रहे हैं. कन्ना बिछवालिया का ऐसा गाना है, उसकी बीट बहुत इंटरनेशनल है, उसका वीडियो स्टाइल बहुत इंटरनेशनल है, तो बाहर जब आप कहीं जाओ आउट ऑफ इंडिया और वहाँ पे किसी पार्टी में साड़ी पहन के कोई लड़की आ जाए जो बहुत खूबसूरत लग रही हो, तो ये गाना थोड़ा वैसा सर है. और नमो स्टूडियोज पे ये गाना रिलीज हुआ है, मीर भैया ने इसकी खतरनाक वीडियो बनाई है, तो सही है, मज़ा आया. सारा का सारा आइडिया होमी का ही है, और मेरे को बहुत खुशी है कि होमी सारे जॉनर्स ट्राई कर रहा है, जैसे मैं अपने करियर में ट्राई करता था और करता आ रहा हूँ कि हर गाना एक दूसरे से अलग हो, स्केल अलग हो, वाइब अलग हो, लिरिक्स अलग हो, मेलोडीज अलग हो, वोकल टेक्सचर अलग हो, एंड ही इज आल्सो ट्राइंग दैट, आई एम वेरी प्राउड ऑफ हिम, ही इज वेरी हार्ड वर्किंग, और बहुत बहुत बड़ा फ्यूचर है इसका, क्योंकि इनफैक्ट मेरी पूरी टीम जिसमें होमी है, नंकू है, करुण है, देश योगी है, अल्फाज है, ये सब लोग मुझे लगता है कि इनसेन हार्ड वर्कर्स हैं, और क्रिएटिविटी वाइज बहुत इंक्लाइंड हैं और बहुत ब्लेस्ड हैं. तो उसी तरह होमी ने जब ये गाना बनाया तो मैंने कहा ब्रो दिस इज द सॉन्ग, ये तेरे को करना चाहिए. और फिर नमो स्टूडियो से गौरव भाई और उदित को और मीर भाई को सुनाया जब ये गाना, तो इनको बहुत पसंद आया, फिर मैंने इसमें रैप किया अपना, और रैप की वाइब कुछ अलग सी थी, सिंपल मैं भी हल्की फुल्की आशिकी कर रहा हूँ इसमें, तो फिर इसको बहुत ईजिली शूट कर दिया मीर ने. मेरा पार्ट तो मीर ने सिर्फ 2 घंटे में ख़त्म कर दिया था, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, एंड आई विश कि होमी इसी तरह बहुत सारा काम करे और बहुत सारे हिट्स दे और बहुत राइज करे. थैंक यू सो
सबके लिए है मतलब ये उस फीलिंग भी दे देते हैं कि जो प्यार है ना वो बड़ी प्यारी फीलिंग है। तो जब किसी को प्यार होता है ना तो वो जिस जोन में रहता है उस जोन में मैंने खुद को डाल के गाना लिखा है। और शेर व शायरी करने का बहुत मन था, बहुत ऐसे उर्दू में लिरिक्स लिखने का बहुत टाइम से मन था, तो वो इस गाने में किए। तो बड़ा ऐसा वाला गाना है कि अगर आप प्यार मानसिक रूप से और बहुत तगड़ी बीमारी थी वो तो मैंने पीछे भी काफी सारे इंटरव्यूज में बताया। अभी गाने आ रहे हैं, चल रहे हैं, नहीं चल रहे हैं, मैं एक बात कहना चाहूंगा, मैं चौका मार पाऊं ना मार पाऊं, मैं छक्का मार पाऊं ना मार पाऊं, तेरी बारी नहीं आऊंगा, तेरी बारी नहीं आऊंगा, मैं लगा रहूंगा 40 मिलियन हो, 50 मिलियन हो, 500 मिलियन हो, मैं लगा रहूंगा। 7 साल घर बैठा हूँ, 7 साल घर बैठा हूँ, अब नहीं जाना। तो अच्छी बात है हमारे लिए कि भैया जब हम मिले तो इतने गुड स्पेस में थे, अच्छे मूड में हैं, अच्छे मूड में रहते हैं। और मतलब जब इंसान, मुझे ऐसा लगता है कि जब इंसान मेंटली और हर तरीके से अच्छे मूड में होता है तो वो अच्छा काम भी कर पाता है, अच्छी अच्छी चीजें कर पाता है। सो टचवुड, हमने बहुत अच्छा रिलेशन बनाया है एक दूसरे के, हम लोगों ने भैया के साथ पिछले 4-5 महीनों में जो भी हमारा एसोसिएशन है बहुत अच्छा हम लोगों ने किया है, अच्छे गाने किए हैं, सारे गाने अभी तक तीसरा गाना है, 2 सुपरहिट गाने हैं हमारे, सुपरहिट हुए हैं, अच्छे चार्ट बस्टर्स में रहे हैं, अच्छी जगह, एक एक गतिविधि हमारा 1.5 महीने तक ट्रेंडिंग था। सो ये इससे भी बहुत अच्छी यही उम्मीद है अभी इस गाने से भी। तो मैं तो नए वर्जन से मिला हूँ, मैं एम तो लविंग इट, और मैं तो चाहता हूँ हमेशा भैया ऐसे ही रहे और ऐसे ही आगे भी जो भी हमारी एसोसिएशन है हमेशा ऐसे रहे। और वापस आ रहे हैं और 3.0 आप देख ही रहे हो, आगे चीजें और कैसी खतरनाक ही आने वाली हैं। मूवी मैंने पहले करी थी जब मेरी पतंग पूरी हवा में थी, तो तब इसलिए करी थी क्योंकि पैसे बहुत अच्छे मिल रहे थे, और करके देखी मैंने 3-4 फिल्में और सारी फ्लॉप हो गई। तो मेरे को ये समझ में आया कि मैं एक्टिंग नहीं कर सकता हूँ, जो मैं खुद लिख लेता हूँ और उसको ही परफॉर्म कर सकता हूँ गानों में, तो वही करता हूँ तो वो बेहतर है। मूवीज करना बड़ा मुश्किल काम है मेरे लिए, तो वो तो मैं नहीं करूँगा, करूँगा भी तो कुछ करूँगा अगर इस साल या अगले साल, तो अपनी लिखी हुई अगर करूँ तो वो समझ में आता है मुझे, और वैसे किसी और का किरदार मैं नहीं निभा सकता। एक तो ये, दूसरा ये है कि गाना सुनने में कितने दिन लगे, वो थोड़ा डिटेल में जाना है। सर बालियाँ पंजाबी में बालियाँ कहते हैं, जो कानों की बाली होती है लड़की की, तो वो चीज़ ऐसी होती है कि वो चेहरे की ब्यूटी को बड़ा एनहांस कर देती है। तो मेरा स्टार्टिंग से बहुत मन था किसी इस चीज़ पे गाना लिखने का। और अगर गाना बना, आपने पूछा जैसे कि गाना बनाने में कितने दिन लगे, तो अगर गाना बनाने में अगर दिन लगे तो वो गाना आपका है नहीं। जब गाना बनता है तो एक्चुअली जो एनर्जीज होती हैं ऊपर की वो उसी टाइम आती हैं और पूरा गाना उसी टाइम बन जाता है। उसके बाद अगर आप 15 दिन लगा के 20 दिन लगा के कोई गाना लिखो, सिर्फ मैं लिखने की बात कर रहा हूँ, तो वो गाना रियल नहीं लगता। तो जो मेरा पार्ट है गाने का वो सारा आई थिंक आधे घंटे में लिखा हुआ है, और जो सर का रैप है वो भी एक गो में लिखा हुआ है 15 मिनट के अंदर अंदर, तो शायद 45 मिनट्स में गाना तैयार है पूरा। The thing is this, I started early. I'm not that old, I'm 40. 40 is good, man. दाढ़ी मुझे रोज शेव करनी पड़ती, सफेद हो गई है मेरी, तो I'm 40. हाँ गुस्सा आता जब ऐसे बोलते हैं, बचपन से सुनते आ रहे हैं, मतलब देखो खुद भी देखो तुम मुझसे 4.5 साल बड़े लगते हो। आपका बहुत कितना खराब है आजकल, गैंगस्टर्स कितने सारे हैं वहाँ पर, वहाँ शूट करके उठा के ले जाते हो मी को। हनीबाजी मैंने इतने बड़े बड़े लेजेंड्स के बीच में बैठ के सीखे, शाहरुख भाई से भी चीज मैंने सीखी थी, बहुत सीखा उनके साथ, वर्ल्ड टूर किया आपने लुंगी डांस, उन्होंने मुझे पूरी दुनिया लगी थी साथ में, और जब भी शो खत्म होते थे 8-8 घंटे मुझे अपने पास बिठाते थे और चीज़ें समझाते थे कि बेटा ऐसे होता है, बेटा ऐसे करा कर, बेटा ऐसे करियो, ऐसे मत करियो। तो मैंने इनकी लाइफ में एक चीज़ बड़ी नज़दीकी से देखी, जो मैंने आज अभी ये डायलॉग मारा कि मैं चौका मार पाऊँ या ना मार पाऊँ, छक्का मार पाऊँ ना मार पाऊँ, किसी और की बारे नहीं आने दूंगा। इन लोगों का भी यही फॉर्मेट है लाइफ का, ये लोग कंसिस्टेंसी में बिलीव करते हैं, काम करते रहने में बिलीव करते हैं, और पैशन ही इन लोगों का, पागलों की तरह काम करना है बस। मैंने लोगों को कभी भी कुछ और करते नहीं देखा, बात करेंगे तो फिल्म की करेंगे, सोएंगे तो फिल्म पे सोएंगे, उठेंगे तो फिल्म पे उठेंगे, शूट पे जाएंगे, वापस आएंगे, खाना खाएंगे तो फिल्म की बात करेंगे।
तो हमारा भी आप स्टूडियो सर्कल अगर देखो, हमारा भी एनवायरमेंट देखो, वी जस्ट टॉक अबाउट म्यूजिक ऑल द टाइम, क्या चल रहा है, क्या चल पा रहा है, क्या नहीं चल पा रहा है, क्या बाहर आ रहा है, क्या बाहर नहीं आ रहा. इफ यू जस्ट ट्राई टू मेंटेन द कंसिस्टेंसी, दैट्स वेरी मच इंपॉर्टेंट राइट नाउ. और आज दौर बहुत अलग है, बहुत सारा कंटेंट है मार्केट में, बहुत सारा ऑप्शंस है लोगों के पास सुनने को, तो कुछ मैटर ही नहीं करता, बहुत कुछ है लोगों के पास देखने को. पहले वो दौर अलग था कि एक फिल्म आती थी तो पूरा हिंदुस्तान वो एक फिल्म देखता था, बॉर्डर फिल्म आई तो पूरा हिंदुस्तान बॉर्डर फिल्म देख रहा है 3 साल तक. अब कंटेंट बहुत है, चॉइसेस बहुत हैं, दौर अलग है, तो अगर कुछ नहीं चल पा रहा है तो आगे फिर चल पड़ेगा. शाहरुख भाई के बोल रहे थे लोग, अरे शाहरुख खान खत्म हो गया, शाहरुख खान खत्म हो गया, अरे फिल्म नहीं चल रही, ये नहीं चल रही, वो नहीं चल रही, बैंड बजा रही उन्होंने. क्या होती है शाही पनीर, क्या होता है बटर चिकन, क्या होता है, वो वैसे कोसों दूर चले गए हैं. पराठे क्या होते हैं, दूर चले गए. समोसे छोले भटूरे दूर चले गए. 2 साल से यही खा रहा हूँ, कुत्ते की तरह वर्कआउट कर रहा हूँ, बंधुआ मजदूर की तरह वर्कआउट कर रहा हूँ मैं, और उसका रिजल्ट है आप लोगों ने बोला था भाजी मोटे हो गए, भाजी मोटे हो गए, भाजी मोटे हो गए, हम पता होगा तो क्या ठीक ठाक करते हैं. नहीं, अभी मैं और तैयारी कर रहा हूँ. बेसिकली हनी 3.0 के 2 म्यूजिक वीडियो में शूट कर चुका हूँ इंटरनेशनली, और 3rd म्यूजिक वीडियो भी मेरे साथ करने जा रहे हैं हम लोग. एक ऐसी लोकेशन पर शूट करें जहाँ पहले किसी ने कभी नहीं शूट करा हिंदुस्तान में से, तो उसके लिए मैं इससे भी 12 किलो वजन खेल रहा हूँ. तो उसके लिए कोई उसका रीजन है वो आप देखेंगे जब बनेगा वीडियो तो पता चलेगा. कन्ना बिच वाड़िया 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 जुल्फा भी काड़िया 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 सोनी किन्नी लगे सोनी किन्नी लगे जद पंजाबी च दिंदिया तू बिलो गाड़िया. फ्रेंच च गाली सवेरे उठ कहंदिया मैनू बोंजो कहनी घूमन जाना मैनू लैके चल बाली बाली किन्नी दूर है तू परियां दी हुजूर है लेके चला पैराडाइज वीजा नहीं जरूर है गजल लिखदा तेरे ते तू हो जानी मशहूर है करदी कटी लावांगे जे नशा नहीं सरूर है दिल दी तू गल सुन कर करनी कन करनी एलोपैथी बंद कर दी असर करनी तिले वांगू जान सुख गई है डर डरनी तेरा यो यो मन चलिया तू हाथ फड़नी.